Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I am Aditi and you're watching The Aditi's World. So in today's video, I'm gonna be sharing with you guys some really cool Harry Potter inspired DIY school supplies. So if you are a Potterhead, I'm sure that you're gonna love this video. So if you are interested, please keep on watching. But before we started with today's video, make sure to subscribe to my channel if you haven't already. Press that little bell button so you get notified every time I posted a new video. And now, without any further delay, let's just get into the video. ओके गाइस, तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्लेटफॉर्म नंबर 9¾ इंस्पायर्ड नोटबुक, जिसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक नोटबुक एंड नोटबुक को आपको कवर कर लेना है एक वाइट चार्ट पेपर से। एंड इसके बाद आपको लेना है ब्रिक शीट और ब्रश की हेल्प से आपको इस तरह से ब्रिक बनाने स्टार्ट कर देने हैं। सो गाइस, ब्रिक आपको रैंडमली ब्रश की हेल्प से बनाते जाने हैं। इसका कोई एक पैटर्न नहीं है कि आपको इस तरह से ही बनाने हैं। आप जैसा आपके मन में आए, आप उस तरह से ब्रिक्स नॉर्मली जैसे बनते हैं वैसे आप बना सकते हैं। एंड इसके लिए आपको सिर्फ चाहिए होगा ब्रश एंड पेंट, एंड बहुत ईजिली आपके बहुत अच्छे ब्रिक डिज़ाइन आ जाएगी। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक सर्कल कट किया है, उसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ा है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से ट्रेन में होता है। एंड अब मैं ब्लैक मार्कर की हेल्प से इसमें थोड़ी डिटेलिंग दूंगी, ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कवर करूंगी एंड नीचे वाले सर्कल में एक पतली सी बाउंड्री दे दूंगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है थिन मार्कर, एंड थिन मार्कर की हेल्प से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 9¾। आप यदि ब्रश के साथ कंफर्टेबल हैं तो आप ब्रश के साथ इसे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मार्कर लिया है क्योंकि मार्कर से एकदम आराम से लिख जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो बस आपको सिंपली इसे लिख लेना है। पहले मैंने यहाँ पे पेंसिल से लिखा था, अगर आपको भी लगता है तो आप भी पहले पेंसिल से लिख सकते हैं। एंड इसे लिखने के बाद यहाँ पे मैंने ले लिया एक सिल्वर पेन, सिल्वर स्पार्कल पेन, एंड इसके हेल्प से ये जो ऊपर हमने एक्स्ट्रा पार्ट छोड़ा था वहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्लेटफॉर्म। अगर आपको सिल्वर पेन नहीं मिलता है तो वाइट पेन भी आते हैं नॉर्मल बिना स्पार्कल वाले, आप वो ले सकते हैं। एंड यहाँ पे प्लेटफॉर्म लिखने के बाद यहाँ पे जो नीचे हमने पतली सी बॉर्डर दी है वहाँ पे मैं लिख रही हूँ हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। एंड अगर आप चाहें तो जहाँ पे मैंने ब्लैक कलर किया है वहाँ पे आप ये ब्रिक शेड भी कर सकते हैं, बट ब्रिक शेड और फिर ये सेम हो जाता है इसलिए मैंने इसे थोड़ा डिफरेंट रखने के लिए ब्लैक करा है। एंड इसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया वाइट ग्लू, एंड वाइट ग्लू इसके पीछे लगाने के बाद आपको इसे सिंपली नोटबुक के ऊपर पेस्ट कर देना है एंड हल्का सा अपने हैंड्स की हेल्प से प्रेस करना है। एंड अब हमारी नोटबुक रेडी है। सो अगर आप चाहें तो इसे ट्रांसपेरेंट शीट की हेल्प से कवर कर लें इसे और प्रोटेक्ट करने के लिए, इससे हमारी नोटबुक जल्दी ख़राब नहीं होती है और हमारी नोटबुक अब बिल्कुल रेडी है। सो गाइज, हमारी नोटबुक तो बन के रेडी है। सो अब नोटबुक पर लिखने के लिए भी हमें कुछ चाहिए, तो उसके लिए हम बनाएंगे मैजिक वॉन्ड पेंसिल, यानी कि जादू की छड़ी वाली पेंसिल। सो जिसके लिए आपको नॉर्मली चाहिए पेंसिल्स, एंड पेंसिल को आपको यहाँ पे कलर कर लेना है ब्लैक कलर से। सो मैं यहाँ पे ब्लैक एक्रिलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो वाटर कलर का यूज़ कर सकते हैं या आप चाहें तो ब्राउन कलर का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी पेंसिल को कवर करने के लिए। मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर की हेल्प से अच्छे से अपनी पेंसिल को कवर कर लिया है, यानी कि कलर कर लिया है। और इसे कलर करने के बाद आपको इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, ये इजीली 15-20 मिनट्स में ड्राई हो जाएगी। उसके बाद आपको चाहिए हॉट ग्लू गन, एंड हॉट ग्लू गन की हेल्प से आपको यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट पे अपने पेंसिल की इसे ट्विस्ट करते हुए कवर कर लेना है। सो यहाँ पर मैं आधे से थोड़ी कम पेंसिल कवर करूँगी। सो आपको सिंपली अपनी पेंसिल को ट्विस्ट करते जाना है एंड हॉट ग्लू इसके ऊपर लगाते जाना है, और ऐसा आपको कर लेना है जहाँ तक आप चाहते हैं वहाँ तक इसे कवर कर लेना है। एंड इसके बाद इसे ड्राई कर लेना है। इसके ड्राई हो जाने के बाद आपको फिर से चाहिए कलर। सो इस टाइम मैंने यहाँ पे वाटर कलर लिया है क्योंकि गाइस एक्रेलिक कलर जो होता है वो ग्लू के ऊपर नहीं चढ़ता है, ये मैंने एक बार ट्राई कर लिया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप हॉट ग्लू को कवर करने के लिए वाटर कलर का ही यूज़ करें। एंड इसे सिंपली ब्रश की हेल्प से आपको कवर कर लेना है, एंड इसे का अभी पेंट हो जाने के बाद आपको इसे भी ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। ड्राई होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी, और अब इसे हमें कर लेना है शार्पन क्योंकि ये जो सामने वाला पार्ट है वॉन्ड का थोड़ा पॉइंटेड होता है। एंड इसे थोड़ा और रियल लुक देने के लिए हम यहाँ पर भी कर देंगे ब्लैक कलर। ऑब्वियसली जब आप इसे अगली बार शार्प करोगे तो ये
निकल जाएगा, बट फिलहाल के लिए हम इसे थोड़ा और रियल लुक देने के लिए यहाँ पे भी ब्लैक कलर कर लेंगे। एंड इसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे दो और रेडी करी हैं, एंड मैंने यहाँ पे एल्डर वॉन भी रेडी करी है। सो आप बताइएगा कि तीनों में से आपकी फेवरेट कौन सी है। ओके गाइस, सब हमारे लास्ट DIY में बनाएंगे हैरी पॉटर इंस्पायर्ड बुक मार्क्स। सो जिसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक थिन कार्डबोर्ड पीस, ये मैंने शादी के इनविटेशन कार्ड में से कट किया है। एंड इसके बाद आपको इसे वाइट चार्ट पेपर की हेल्प से कवर कर लेना है, ये इजीली वाइट ग्लू की हेल्प से स्टिक हो जाएगा। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है हैरी पॉटर की क्यूट सी ड्राइंग, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एंड इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे इसे कलर करना। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है क्रीम कलर या ऑफ वाइट कलर इसके फेस को फिल करने के लिए, एंड इसके हेल्प से मैं फेस को कलर कर लूँगी। फेस को कलर करने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है ब्लैक कलर, एंड ब्लैक कलर की हेल्प से हम बना लेंगे हैरी पॉटर की यूनिफॉर्म। एंड यूनिफॉर्म अच्छे से बनाने के बाद सेम ब्लैक कलर की हेल्प से हम बना लेंगे हेयर्स। एंड इसके बाद हम ले लेंगे रेड कलर, एंड रेड कलर की हेल्प से हम बनाएंगे स्कार्फ। आपको बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ते जाना है येलो कलर के लिए। सो अब हम ले लेंगे येलो कलर, एंड येलो कलर की हेल्प से हमारे स्कार्फ को कंप्लीट कर लेंगे। स्कार्फ कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे आपको लेना है थिन ब्लैक मार्कर, एंड इसके हेल्प से मैंने यहाँ पे सबसे पहले बना ली है स्माइल, एंड इसके बाद मैं बनाऊँगी ग्लासेस। एंड गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये हैरी पॉटर इंस्पायर्ड स्कूल सप्लाइज का सेकेंड पार्ट भी बनाऊँ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर बना लेंगे आइज़। और गाइज, अगर आप ब्रश के साथ ये सारी चीज़ें करने में कंफर्टेबल हो तो आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सेम मार्कर की हेल्प से हम इसे थोड़ी और डिटेलिंग दे देंगे। ऐसा करने से हमारा जो बुक मार्क है वो एकदम फिनिश दिखने लगेगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हम सभी मैसअप कर ही देते हैं, थोड़ा थोड़ा कलर बाहर निकल जाता है। सो ब्लैक मार्कर की हेल्प से वो सब अच्छा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने बना दिया है मार्क, एंड वाइट कलर की हेल्प से आइस को कम्प्लीट करेंगे। एंड यहाँ पे हमारा बुक मार्क बन के रेडी है, एंड यहाँ पे मैंने दो और बनाए। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। इफ यू लिटरली डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस दैट लिटिल बेल बटन सो यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्टेड अ न्यू वीडियो। एंड ऑल्सो गाइज, इफ यू हैव एनी वीडियो सजेशंस डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम डू नॉट फॉरगेट टू चेक ऑल द वीडियोज लिंक बिलो। एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, एंड बाय गाइज।